हमने मार्तंड का पुरातन मंदिर देखा और जा रहे अभी अचबल और कोकरनाग में। यहाँ बहुत अच्छे मुगल कालीन बगीचे हैं, फाउंटेन्स है, पानी के सोर्सेस है, चश्मा है, तो ये बहुत अच्छी ट्रिप रहेगी हमारे। देखेंगे फिर से वहाँ ज्वाइन होते हैं। ये दोनों तरफ मेरे देखिए जाते हैं रास्ते पर, पूरा सफरचंद का बगीचे है और ये पूरा एरिया ही सफरचंद से भरा, जो कश्मीरी सफरचंद वर्ल्ड फेमस है। देखिए पैकिंग यहाँ चल रही है, सीजन अभी ख़त्म होते आया है, प्लकिंग हो गया है क्योंकि बगीचे में सफरचंद दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर के जो है ये देखिए ट्रक भी लोडिंग करने आया है, जो हार्वेस्टिंग हो रहा है उसका लोडिंग करने आया है। ये देखिए कितना वास्ट एरिया में सफरचंद ग्रो हो रहे हैं। दोनों तरफ ये देखिए हार्वेस्ट को पिक करने के लिए ट्रक खड़ा है। एप्पल का फार्मिंग है, ये जो येलो येलो कलर के पत्ते वाले हैं पेड़, ये वॉलनट के ट्री है। अभी ये फॉल सीजन है इसलिए येलो होगा, फिर रेड होगा, फिर नीचे गिर जाएंगे। ये देखिए ये अखरोट का ट्री है, ये जो जड़ गए हैं उनके पत्ते नहीं दिख रहे, वो भी है। यहाँ ना पूरा कश्मीर मेवों से भरा हुआ है, एप्पल है, अखरोट है, बादाम है, एप्रिकॉट है, तो हम अभी अचबल पहुंच गए हैं। मुगल कालीन बगीचा जैसा डेवलप किया, जैसा हमने श्रीनगर में निषाद गार्डन और शालीमार बाग देखा था उसी तरह से। तो ये मेरे लेफ्ट साइड में है, हम गाड़ी से भी उतरेंगे और जाएंगे। हम अजबल गार्डन एरिया में आ गए, ये भी टेरेस गार्डन है। झेलम नदी का एक स्प्रिंग यहाँ से आता है, मुगल गार्डन्स में का एक गार्डन है अजबल। अच्छा बल वैसा ही चीना वृक्ष है, ये काफी सालों यानी 100, 200, 300 साल पुराने पेड़ है। ये अजान का समय हो गया है, बैकग्राउंड में अजान शुरू है। चश्मा देखिए, ये एक टेरेस हुआ, हम अभी ऊपर के टेरेस पे जा रहे हैं। क्या हिम्मत है कितने टेरेस गार्डन में हम आगे टेरेस पर जा रहे हैं।
लेटेस्ट और फोटोग्राफी शुरू है लोगों की। देखिए आगे आप देखिए अजमल का ये ब्यूटी। निशात गार्डन और शालीमार गार्डन से भी मुझे खूबसूरत लग रही है। क्या पानी का फ्लो है। चिनार पेड़ की ब्यूटी रियली ब्यूटी है। ये जवान में बता नहीं सकते कितने ब्यूटीफुल ये पत्ते की रहे। देखिए टेरेस गार्डन अच्छबल अच्छबल। ये एक एंड से मैं अच्छा बल गार्डन के ऐसे चैनल्स निकलते हैं। ये हम दो टेरेस करके आए हैं, अभी तीसरा टेरेस के ऊपर जाने का है। ये ऊपर जाएगा, अभी ऊपर पेड़ देखिए। हाँ है पहाड़ आ गए ना, वो उगम स्थान है। क्या बनाया है ना टेरेस को लेवल करके। देखिए पहाड़ों से पानी नेचुरली आता है। यहाँ से ये अलग अलग पीछे होके ऐसा तो ये वो मेन स्पॉट है। हाँ रुचि ये देख, ये मेन स्पॉट है जहाँ से आता है पानी। और ये अच्छबल हम नहीं करते तो पछताते, इतना अच्छा सुंदर जगह है ना, बहुत ही सुंदर। Thank you.
चिनार ने तो चार चांद लगा दिया। सबसे टॉप मोस्ट एरिया से हम अजवल के टेरेस गार्डन से उतर रहे हैं। सब तरफ से पानी पानी पानी। फोटोग्राफी, प्री वेडिंग शूटिंग, वेडिंग शूटिंग। पीछे क्या है आपको, जहाँ से पानी आता है वो क्या चीज़ है वो देखने के लिए। यहाँ से ऐसा करके जाता है वो। जैसा कि हमने देखा ये जो पहाड़ियों से चश्मा आ रहा है अजवल में, सेंटर में एक है, एक चैनल बनाया गया है, उसके लेफ्ट में एक है, और देखिए अब वैसा ही सिमेट्रिकल राइट में भी एक है। ये सब पानी नीचे नेचुरल पानी नेचुरल फोर्स से विदाउट एनी पंप मोटर जाता है। बीच में ऐसे फोटो के पॉइंट्स जैसे पुराने आराम करने के लिए या कुछ म्यूजिक बजाने के लिए ऐसे बनाए गए हैं। मैं उतर रहा हूँ अभी नीचे। चिनार के सब पत्ते